हेलो फ्रेंड्स, फूड एंड क्राफ्ट विद मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ अलग तरह की रेसिपी लेकर के आपके सामने आए हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें देते रहिए और बेल आइकॉन दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम आलू का पापड़ बनाने वाले हैं। ये कच्चा आलू है, इसे हमने छील के छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये चिली फ्लेक्स लिया है, इसकी रेसिपी अपलोड किया हुआ है, आप घर पे कैसे चिली फ्लेक्स बना सकते हैं। ये आधी छोटी चम्मच जीरा, टेस्ट के अनुसार नमक और हमने पानी यूज के हिसाब से यूज करना है। एक जार लेंगे, जार में आलू को थोड़ा सा पानी के साथ हमें पीस के एकदम ही स्मूथ सा पेस्ट बनाकर रेडी कर, इस तरह से हमने पीस करके एकदम ही पेस्ट बनाकर रेडी कर ली हूँ। अब हम एक छन्नी लेंगे, छन्नी में इसे छान देंगे। छानने से जो एक्स्ट्रा इसमें गुठली वगैरह होगा वो निकल के आ जाएगा। ये देखिए, छान के इस तरह का ये वेस्टेज है, इसे हम फेंक देंगे। और ये इस तरह का पानी बनकर के रेडी हो गया, इसे हम पीसने के लिए एक कप पानी का यूज किया है, तो इसे हम साइड करते हैं। और इधर एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में इसे डाल करके कंटिन्यू हमें पका लेना है। अभी हम नमक वगैरह नहीं डालेंगे, इसे हमें कंटिन्यू पका करके रेडी कर लेंगे, छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। इसे आप कंटिन्यू इस तरह से स्टर करते हुए पका लीजिए। ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है, इसे और हम 2 मिनट कंटिन्यू। ये इतना गाढ़ा हो गया है, इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से जब आप पापड़ फैलाएंगे तो अच्छे से फैलेगा भी। और अभी इसे और हम 2 मिनट पानी डाल करके कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए 2 मिनट और पका लेते हैं। ये इस तरह से देख सकते हैं पक कर के रेडी हो गया। इसका एक चीज ध्यान रखना है, जब आप इस तरह से उठाए तो देखिए एकदम ही पक कर के ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसका मतलब कि ये हमारा पापड़ बनने के लिए रेडी हो गया है। तो हम गैस बंद कर देते हैं और इसे हम नीचे उतार लेते हैं और इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ना नहीं है हमें। 2 मिनट के लिए इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लेंगे, ज्यादा ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा ठंडा कर लेंगे ताकि जिस सीट पे बनाएंगे प्लास्टिक सीट पे वो उस सीट पे ये खराब ना हो। तो थोड़ा हमें ये थोड़ा ठंडा हो गया है, हमें ज्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो पापड़ बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये है, चिली फ्लेक्स को ऐड कर देंगे, जीरा और इसमें टेस्ट के अनुसार नमक। ये ध्यान रखना है कि पापड़ जब सूखेगा तो नमक ज्यादा मत हो जाए, इसीलिए आप उसी क्वांटिटी से नमक भी डालिए और इसे मिक्स कर लेना है। इस तरह से एक एक चम्मच लेते जाइए और जितनी बड़ी आपको पापड़ बनाना है उस हिसाब से आप इसे इस तरह से फैला दीजिए। और 2 दिन के कड़ी धूप में अच्छे से इसे हमें सुखा लेना है जिससे कि पापड़ अच्छा सा बन करके रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह हम सारे पापड़ को फैला लेते हैं। ये सारे पापड़ 2 दिन के धूप में अच्छे से सूख के रेडी हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो गया पापड़। तो इसे आप जब भी बनाइए तो 2-3 दिन के धूप में अच्छे से सुखा लीजिए ताकि ये पूरे साल आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं। और इधर हमने ऑयल गरम होने रख दिया है, ऑयल अच्छा सा गरम हो गया है, इसमें हम पापड़ को डाल के आपको तल के दिखाती हूँ। इसे हाई फ्लेम में नहीं तलिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। लो टू मीडियम फ्लेम में इस तरह से तल लीजिए, देखिए बहुत ही अच्छा सा पापड़ बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से और हम पापड़ को, बहुत ही अच्छा पापड़ बना है फ्रेंड्स, इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक भी हमें दीजिए। देखिए
इसमें ना ही हमने कोई पापड़ खार डाला है और ना ही खाने बेकिंग सोडा वगैरह डाला है, जिससे कि पापड़ को फूलने में ये हो। ये आलू की पापड़ है और इसे जब तक आप अच्छे से नहीं पकाएंगे तो वो अच्छे से फूलेगा नहीं। इसके लिए जब आप आलू को पका रहे हैं तो अच्छे से पकने दीजिए। बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमें बोला है कि अच्छा नहीं बना है, तो नहीं बनने का रीजन यही है फ्रेंड्स कि आपने उसे अच्छे से पकाया नहीं है। तो ये देखिए कितने अच्छे से सारे पापड़ बनकर के रेडी हो गए हैं। देखने में भी अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छा। तो अपने फीडबैक कमेंट हमें ऐसे ही देते रहिए और देखिए इंजॉय कीजिए। इस तरह से पापड़ बना करके आप पूरे साल स्टोर करके रखिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।